तो जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि एलविस यादव के खिलाफ में बहुत सारे कमेंट्स और ट्वीट्स जो है वो वायरल जा रहे हैं, जहां पर उनके खिलाफ में निगेटिव पीआर किया जा रहा है, यानी कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को लेकर अपने रिसेंट ब्लॉग में एलविस यादव बात की और बताया कि उनके खिलाफ में लगभग 25 लाख रुपए खर्च किए गए उनके खिलाफ में निगेटिव पीआर करवाने के लिए और उनको बदनाम करके नीचे दिखाने के लिए। हेट पड़ रही है हमें और उसका नाम भी पता जो पैसा लगा रहा है। पैसा लगा रहे उनमें? हाँ यार, कहीं नहीं ऐसा लग रहा है, कोई 20-25 लाख रुपए लगा रहा। भाई यार देखो, मुझे अच्छा लगता है हेट वेट फैलाना, पर जितनी भी ये पीआर टीम जिसकी भी है ना, ये जो नेगेटिव पीआर, नेगेटिव मीम्स, और देखी होंगे आपने काफी कमेंट सेक्शन में भर रखा है, ट्विटर अकाउंट्स भर रखे हैं, वो एकदम से कहां से आ गए? पहले तो नहीं थे ना, एकदम से कहां से आ गए? तो उसका रीजन यही है। इसको बोलते हैं, जो मेरे भाई जो इन चीजों की नॉलेज नहीं है जिनको, इसको बोलते हैं नेगेटिव पीआर करवाना, पैसे देके किसी की इमेज खराब करवाना मीम के थ्रू और न्यूज चैनल्स के थ्रू या फिर जिस मर्जी के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, यही होता। तो एकदम से ये हवा आ गई और ये पता भी लग गया, हमने पता लगाई टेलीग्राम वेलीग्राम जो भी है जहाँ से भी। तो हमारा बहुत खास भाई था, है या जो भी, हम तो समझते हैं भाई, और भाई ने शायद नहीं समझाया, फिर भाई के कुछ चीजें हजम नहीं हुई। तो जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि एलविस यादव ने क्लियरली बताया कि ये जो निगेटिव पीआर करवा रहे ये अपने भाई ही है। और आपको तो पता ही होगा कि बिग बॉस के टाइम से ही एलविस यादव जो है वो फुकरा इंसान को भाई भाई कहकर बुला रहे, तो मैक्सिमम चांस है कि ये फुकरा इंसान के बारे में ही बात करे, यानी कि फुकरा इंसान जो है वो निगेटिव पीआर करवा एलविस यादव के खिलाफ में। अब जैसे ही एलविस यादव ने ये वाला वीडियो अपलोड किया, इसके जस्ट बाद में फुकरा इंसान के टीम मेंबर यानी कि जासूस जो है उन्होंने ये वाला ट्वीट किया। अभी अगर इनको लगता है कि अभिषेक ने 25 लाख दिए हैं निगेटिव पीआर के, तो सीधा नेम लेके बोलो भाई, यानी कि सीधा नाम ले लो। अभिषेक को ये काम करना होता तो बिग बॉस जब चल रहा था तभी नहीं करता, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद का पंगा पैसे वालों से है, उनका नाम लेने में डर है, तो बिना नाम लेके बोल दो ताकि लोगों को लगे कि अभिषेक कर रहा है और व्यूज आ जाए। सुधर जाओ भाई, 25 लाख लगाने को तो इंसान अपना नेम ऊँचा करता है, दूसरों को नीचा नहीं करता। यानी कि फुकरा इंसान के जो टीम मेंबर है जासूस किंग, उन्होंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया कि एलविस यादव का जो पंगा है वो किसी बड़े पैसे वाले से, और इसलिए एलविस यादव उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें डर है कि उससे फिर उनको साइड से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और इसलिए डर के मारे वो उनका नाम नहीं ले रहे। तो अब यहाँ पर ये बंदा कौन हो सकता है जो कि बहुत ही बड़े पैसे वाला है और उनका पंगा जो है वो एलविस यादव के साथ है, इस बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अगर आप जासूस किंग के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोगों का ये कहना है कि एलविस यादव ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, तू क्यों आ रहा है फुकरा इंसान को बचाने के लिए, जरूर तूने ही किया होगा इसलिए तू उसको बचाने के लिए आ रहा, क्योंकि एलविस यादव ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया तो फिर तुझे क्यों मिर्ची लग रही। वैसे अब इस बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अपडेटेड रहने के लिए खबरी मन चैनल को सब्सक्राइब कर।